देखिए महाराज, अब तो राज शीर्षा को नाम सुन के आई हूँ कि राज शीर्षा के महाराजा वीर नहीं महावीर है, इसलिए मैं नाम सुनकर एक राज शीर्षा में आई हूँ। क्या नाम सुनकर आई हो? देखिए सात सौ भैंसा में एक मेरे मोर भैंसा बदमाश हो गए हैं। अच्छा, उसी को नाम दीजिए, इसलिए मैं आपको शीर्षा में आई। एक भैंसा कौन बताओ? तुम्हारे भैंसा जैसे जैसे बोले मलखासा नाप सकता है, परंतु यह हम जैसे क्षत्रियों का कर्तव्य नहीं कि मैं तुम्हारी भैंसा नापते रहूं। ऐ नटेल, जाओ दूसरे द्वार को प्रस्थान करो, हम जैसे वीर पुरुष तुम्हारी भैंसा नहीं काट सकते। महाराज, आपका नाम सुनकर आई हूँ, आप भैंसा नापने से डरते हैं? महाराज, अरे पगली, मैं भैंसा नापने से नहीं डरता हूँ। अगर तुम बारंबार जिद कर रही हो कि महाराज मलखासन आप एक भैंसा को नाप दीजिए, हाँ महाराज, तो उस भैंसा को नापने के लिए सिर्फ मेरे बहादुर काफी है। तो ठीक है मेरे बहादुर, पीछे पीना रखो। देखो पहले तू जाओ, खासी को रोल को कदर करते हुए शानदार ये किस रूपया की पुरस्कार का फरमा है आपकी ओर से धन्यवाद। हे महामाया, हे महाजनक्या, हे वैष्णवी, हे महाशेती, सोई कलमा के कह दिया बाबू
का मेल है छोटुआ अंगली से हां ये ना दे दिया बोल बोल तोरा भाई साहब के पर्ण की है अरे हमरा भाई साहब के परम है जे वीर हमरा भाई साहब के नाते किसी किसी अनुदिन के शादी होती हो
चंपानम मरखा से जो छत्र को चुटकी से मसल देता है। आज एक भैंसा से लाख कोशिश कर रहा हो परंतु ये भैंसा सफलता में नहीं आ रहा है। वीराना लागे तू महिरा लागे कक्ष में जा रहा हूं, स्वयं उनसे सारे वार्तालाप करूंगा।